अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आजकल जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू है वो है चैप्टर नंबर 7, जिसका हमने हाफ पार्ट जो है वो कवर अप कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। आज का इस टॉपिक में हम कवर अप करेंगे रेस्पायरेशन, एंड होप सो कि चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। रेस्पायरेशन स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी बर्न अ फ्यूल, इट यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड यील्ड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एक्सेट्रा। जब हम कोई भी फ्यूल जो है वो बर्न करते हैं, जलाते हैं, वो क्या करता है, किसी भी चीज़ के जलने के प्रोसेस में जो यूटिलाइज होता है वो ऑक्सीजन यूज होती है, एंड ईल्ड एनर्जी, और जो उसकी एनर्जी, जो उसकी जो प्रोडक्टिव एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ या तो हमें लाइट की फॉर्म में मिल जाती है या हीट की फॉर्म में मिल जाती है। इन दिस बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक द सी एच बॉन्ड प्रेजेंट इन द फ्यूल मॉलिक्यूल्स। अब इस प्रोसेस में, बर्निंग प्रोसेस में, जलने वाले प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो सी एच बॉन्ड को तोड़ने में यूज़ की जाती है फ्यूल मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए उसकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स के दरम्यान उसको ब्रेक करना पड़ता है, उसको ओवरकम करना पड़ता है। तो सी एच बॉन्ड जो है फ्यूल मॉलिक्यूल्स के, उनको तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है वो हम लेते हैं ऑक्सीजन से। इन द सेम वे ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सी एच बॉन्ड प्रेजेंट इन द फूड इन देयर सेल्स। जिस तरह फ्यूल्स की एनर्जी को, फ्यूल्स को जलाने के लिए, उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज की जाती है, इसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं अपने फूड के पार्टिकल्स जो उनके सेल्स के अंदर हैं, उनको, उनके सी एच बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। दिस ब्रेक डाउन यील्ड्स एनर्जी विच इज़ ट्रांसफॉर्म इन टू ए टी पी, और उसकी जो यील्ड एनर्जी होगी उसको वो चेंज कर देते हैं ए टी पी की फॉर्म में, एडनिन थाई फॉस्फेट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सी एच बॉन्ड आर ब्रोकन बाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड द कार सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो प्रोड्यूस। इसकी प्रोसेस, इस ब्रेक डाउन में क्या होता है कि जो उसकी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस्ड होता है। द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन, मतलब कि सेल्स की एनर्जी को प्रोड्यूस करने, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली जो एक्टिविटी है उसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। ये सारा था रेस्पायरेशन। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, इन सेलुलर रिस्पायरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइल ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू वाटर, मतलब कि जो इसकी बाय प्रोडक्ट्स है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, फूड जो है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब रेस्पायरेशन की भी आगे जो है वो फर्दर टू टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज एरोबिक एंड द सेकेंड वन इज एनारोबिक रिस्पायरेशन। द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज बाई सेल टू गेट एनर्जी बाई सेलुलर रिस्पायरेशन इज ग्लूकोज, मतलब कि जो हमारी सेलुलर एक्टिविटीज में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो एक फ्यूल यूज किया जाता है ना, वो है हमारे पास ग्लूकोज। द वे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है, किस तरीके से ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये चीज डिपेंड करती है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे, कि कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वहां पे मौजूद है। द सेलुलर रिस्पायरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन, मतलब कि वो सेलुलर रिस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैरी आउट होती है, इसे हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। व्हाइल वन दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द एनारोबिक रिस्पायरेशन, और वो वाले रिस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसे हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। अच्छा जी, फर्स्ट वन है हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। जब ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है विद, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वहाँ से रिलीज हो जाती है। इन द फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन के फर्स्ट फेज में क्या होता है, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो कि सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है, वो ब्रोकन डाउन होता है इंटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड। पाइरूविक एसिड में टूटता है टू, जिनके जो कि थ्री कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें टूट जाता है,
इन द सेकेंड फेज मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड्स आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, मतलब कि सेकेंड फेज में क्या होता है कि वो वाले जो पायरुविक एसिड जो कि 6C से 3C में कन्वर्ट हुए थे वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब कि उनके जो अंदर के CH बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे ही टूट जाते हैं टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ऑल एनर्जी रिलीज, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है और वाटर एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। ओवरऑल जो रिएक्शन है वो ये होता है कि C6H12O6 प्लस 6O2 ग्लूकोज है, इसने टूटना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो हमारे पास बने क्या गया कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रिस्पायरेशन परफॉर्म होनी है। सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड टाइप है हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन, मतलब कि फर्मेंटेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन जो कि एब्सेंस में होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में कैरी आउट होता है ये वाली एनारोबिक रिस्पायरेशन। इसमें क्या है, इसमें ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, उसमें हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है उसकी, लेकिन यहाँ पे जो है ग्लूकोज की जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती, लिहाजा जो एनर्जी है वो भी लेस अमाउंट में ही रिलीज होती है। इन एरोबिक रिस्पायरेशन द फर्स्ट फेज इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द एरोबिक रिस्पायरेशन, इसमें जो फर्स्ट फेज है ना एरोबिक रिस्पायरेशन वो बिल्कुल सेम है कि मतलब 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो टूटता है 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में, लेकिन सेकेंड स्टेप जो है वहां पे चेंजेस आती हैं कि इन सेकेंड स्टेप पायरुविक एसिड इज नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, लेकिन सेकेंड स्टेप में जो है वो पायरुविक एसिड जब बनता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि उसके जो CH बॉन्ड्स हैं कम्प्लीटली वो नहीं टूटते। वो क्यों नहीं टूटते, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो है वो कमी है। इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू एथाइल कोहल और लैक्टिक एसिड, वो फिर जो है बजाय एनर्जी फॉर्मेशन में बल्कि वो अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस वे मैनी ऑफ CH बॉन्ड्स आर लेफ्ट अनब्रोकन इन द प्रोडक्ट, जो उस मॉलिक्यूल्स में CH बॉन्ड्स प्रेजेंट है ना, बहुत सारे बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो कि अनब्रोकन होते हैं, मतलब कि भी टूटे नहीं होते। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन इज फर्दर क्लासिफाइड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है इसकी आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो बैक्टीरिया में होती है, ईस्ट में होती है। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन पायरुविक एसिड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस वाली रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो पायरुविक एसिड है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब कि बजाय वो पायरुवेट में कन्वर्ट होने के पायरुविक एसिड जो है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। आगे हमारे पास आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इट अकर्स इन स्केलेटल मसल्स ऑफ द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग द एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज। सिंपल वर्ड्स जिसे हम कहते हैं खलियाँ पड़ जाना, ठीक है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, ज़्यादा चलने से जो हमारी जो बॉडी में जो है वो खलियाँ सी पड़ जाती हैं उसे हम कहते हैं वो होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, के जो हमारा ऑक्सीजन सांस फूल रहा होता है ऑक्सीजन एक्सरसाइज करने के बाद, मींस कि हमारे जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की जो है वो शॉर्टेज हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ठीक तरीके से तोड़ नहीं पाते, और वो बजाय उसको एनर्जी पर पायरुवेट कन्वर्ट करने में वो क्या करते हैं, उनको वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन बैक्टेरिया प्रेजेंट इन मिल्क, लैक्टेट मतलब कि मिल्क वाले जो बैक्टेरिया है ना जो दूध में पाए जाते हैं, ये वो भी फर्मेंटेशन वो परफॉर्म करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन ईच पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है इस फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास आती है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन की जो है वो इंपॉर्टेंट है क्या कि हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ यूटिलाइज होती है। व्हेन लाइफ एवॉल्व ऑन द अर्थ द अर्ली लैंड और वाटर हैबिटेंट्स डिड नॉट हैव एनी सप्लाई ऑफ फ्री ऑक्सीजन, मतलब कि जब लाइफ जो है वो अर्थ पे एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुई इवॉल्व हुई तो जो बहुत अर्ली वाटर के जो हैबिटेंट्स थे या लैंड के हैबिटेंट्स थे उनके पास जो है वो फ्री ऑक्सीजन नहीं थी,
जबकि अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी वर्किंग के लिए जो है उनके पास फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं थी। इन दीज एनारोबिक कंडीशन, तो वो कंडीशंस थी एनारोबिक, अर्ली ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर्ड एनारोबिकली एंड गॉट एनर्जी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज। तो जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या करते थे, वो अपनी एनर्जी को जो है वो एनारोबिकली लेते थे, एनारोबिकली रिस्पायरेशन से अपनी एनर्जी लेते थे और अपनी लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे। इवन टूडे व्हेन फ्री ऑक्सीजन इज अवेलेबल, सम ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड सम बैक्टीरिया एंड सम फंजाई गेट एनर्जी फ्रॉम एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड कॉल्ड द एनारोब्स। मतलब कि आजकल के एनवायरनमेंट में भी जहाँ पे जो है वो एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारी फंजाई ऐसी है जो कि अपनी जो एनर्जी है वो एनारोबिक वे में कंज्यूम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एनारोब्स। ह्यूमंस कैन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द स्केलेटल मसल्स थ्रू एनारोबिक रिस्पायरेशन। ह्यूमंस जो है वो अपनी एनर्जी अपने स्केलेटल मसल्स को जो है वो एनारोबिकली एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। इट हैपन्स व्हेन स्केलेटल मसल्स वर्क टू हार्ड, मतलब एक्सरसाइज वगैरह के दौरान जब स्केलेटल मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज के दौरान बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो बट ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो उनकी रिकली मतलब उनकी जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे सेल्स की जो है वो ऑक्सीजन की जो डिमांड है ना वो भी इंक्रीज कर जाती है, लेकिन हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें वो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है वो उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकती होती, ठीक है। इसी वजह से होता है कि वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। साइंटिस्ट हैव यूज द फर्मेंटिंग एबिलिटीज ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, मतलब कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये फर्मेंटिंग एबिलिटीज फंजाई की और बैक्टीरिया की इंसानों के फायदे के लिए यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिए। फॉर एग्जांपल फर्मेंटिंग पावर्स ऑफ बैक्टीरिया आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग चीज एंड योगर्ट, दही को जाग लग जाना, पनीर का बन जाना, चीज वगैरह, ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो फर्मेंटिंग पावर्स की वजह से होता है बैक्टीरिया की। फर्मेंटेशन इन ईस्ट इज आल्सो इन ब्रीविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री, मतलब ईस्ट की फर्मेंटेशन करते हैं ब्रीविंग शराब साजी में और बेकिंग इंडस्ट्री में। सिमिलरली द सोया सॉस एंड इज मेड थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ फंगस एस्परजिलस। एस्परजिलस जो एक फंगस है उसकी फर्मेंटेशन करवाने के बाद जो ये कि हमारे पास प्रोडक्ट निकलता है सोया सॉस, ये जो है वो इसकी फर्मेंटेशन की नतीजे में हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो मैकेनिज्म है और रिस्पायरेशन का एक ओवरऑल मैकेनिज्म। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन। फॉर द स्टडी ऑफ ऑल द रिएक्शन ग्लूकोज ऑक्सीडेशन विल गो इन टू द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन के जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट इसको हम जो है वो थ्री मेन स्टेजेस में कन्वर्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, द सेकेंड वन इज क्रैब्स साइकिल एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके नाइन्थ क्लास से लेके टेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थ्रू आउट द लाइफ, अगर आप मेडिकल में जाते हैं या किसी भी साइंस सब्जेक्ट में जूलॉजी बॉटनी कुछ भी चूज करते हैं अपने फ्यूचर में, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट कॉमन है, मोस्ट फेवरेट है एग्जामिनर्स के, मोस्ट फेवरेट हैं पेपर्स बनाने वालों के, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स अगर आपके अभी से क्लियर हो जाएंगे देन आपको जो है वो नेक्स्ट अपनी क्लासेस में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व इन द स्टेज। पहले बात तो आपने याद रखनी है कि ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस होती है सेल के साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस के लिए जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर नहीं होती। दैट इज वाई इट अकर्स इन द बोथ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। ये दोनों टाइप की रिस्पायरेशन में परफॉर्म हो सकती है, मतलब एरोबिक भी हो सकती है और एनारोबिक भी हो सकती है। इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि जो सिक्स मॉलिक्यूल्स है ना ग्लूकोज वाला, सिक्स कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री सी, मतलब थ्री कार्बन वाले जो है पाइरूविक एसिड में। क्रैब्स साइकिल में क्या होता है, इन क्रैब्स साइकिल द पाइरूविक एसिड मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। जो ग्लाइकोलाइसिस में पाइरूविक एसिड बनता है ना वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन के साथ साथ एटीपी भी बनता है, एनएडीएच भी बनता है, एफएडीएच2 भी बनता है। बिफोर एंटरिंग इन क्रैब्स साइकिल पाइरूविक एसिड इज चेंज इनटू टू कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एसिटाइल कोए। क्रैब्स साइकिल में एंटर होने से पहले जो पाइरूविक एसिड है ना वो चेंज हो जाता है टू कार्बन वाले कंपाउंड में, जिसे हम कहते हैं एसिटाइल को ए।
अब आगे हमारे पास जो फाइनल स्टेप आता है रेस्पिरेशन का, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है? इट ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन दिस स्टेप NADH एंड FADH रिलीजेस इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन, मतलब कि वो वाले NADH और FADH कंपाउंड जो कि क्रेब्स साइकिल के दौरान बने थे, वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये बहुत सारे जो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है वो रिसीव करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दे लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स जो है जब मूव करते हैं ना उस पूरी सीरीज में, तो क्या होता है, उनकी जो एनर्जी है वो लूज हो जाती है, विच इज यूज टू सिंथेसाइज ATP, जो कि क्या बनाने के लिए बेनिफिशियल है ATP की सिंथेसिस के लिए। एट द एंड ऑफ चेन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयंस कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। चेन के एंड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है और हाइड्रोजन आयंस जो है वो दोबारा से कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और फिर जो है वो वहां पे वाटर बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्लाइकोलोसिस का ओवरव्यू है कि ग्लाइकोलोसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ADP से ADP से NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड टूटता है 2 पाइरुविक एसिड में, वहां पे ATP रिलीज करता है और NADH भी रिलीज करता है। अब क्रब साइकिल में क्या होगा, क्रब साइकिल में जो है वो ये वाला जो पाइरुविक एसिड यहाँ पे बना है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को ए में। एसिटाइल को ए से यहाँ पे प्रोडक्शन होगी ATP की, FAD पॉजिटिव की और NADH की। ये वाले इनको यूटिलाइज करके इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को प्रोवाइड किया जाएगा NADH और FADH पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है एडिशन होगी, ऑक्सीडाइज होकर ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ATP बना देगा और NADH पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव, मतलब उसको हाइड्रोजन जो है वो यूटिलाइज करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी वाटर बना देगा, और वो वाले मॉलिक्यूल जो है वो वैसे ही रिएक्शन में पड़े होंगे। अब है हमारे पास द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब कि एनर्जी करेंसी हमारे पास क्या है। ईच NADH प्रोड्यूसेस द 3 ATP इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब कि हर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक जो NADH है ना वो क्या है, वो 3 ATP बनाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक NADH 3 ATP बनाता है। द NADH जनरेटेड इन ग्लाइकोलाइसिस गिव द 2 ATP बिकॉज 1 ATP स्पेंट टू ट्रांसपोर्ट इट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब NADH जो है वो बना है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, उसने क्या देना है, उसने 2 ATP देने, लेकिन जो 1 ATP है ना वो यूज हो जाता है ट्रांसपोर्ट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के, जो जब एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं या डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, वहां पे जो है वो 1 ATP जो है वो यूटिलाइज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है ईच FADH2 प्रोड्यूसेस 2 ATP, हर जो FADH2 है वो क्या करते हैं, वो 2 ATP प्रोड्यूस करते हैं। द टोटल आउटपुट ऑफ ATPs कैन बी कैलकुलेटेड बाय डेटा, नॉट दैट द ड्यूरिंग एनरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर गेन एज अ नेट प्रॉफिट, मतलब कि जो 2 ATP है ना वो हमारा नेट प्रॉफिट है ड्यूरिंग द एनारोबिक ऑक्सीडेशन। इट इज बिकॉज देयर इज नो क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो पायरुवेट एक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, वो जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए जो है वो क्रैब एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारी नेट प्रोडक्ट है ATP की, वो हमारे पास है 2 ATP। ठीक है, ये हमारे पास एक ओवरव्यू है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो 2 ATP जनरेट होते हैं। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं वो 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस में जो है हमारे पास 2 NADH बनते हैं, फिर पायरुविक एसिड में 2 NADH बनते हैं, हर NADH जो है 2 NADH जो है वो 2 ATP बनाता है, तो 2 जो है वो कितने बनाएंगे, वो 4 बनाएंगे, और वो जो उसमें हमारे पास NADH यूटिलाइज होता है वो 6 ATPs बनाता है। जो क्रब साइकिल में NADH 6 अमाउंट में होते हैं वो हमारे पास 18 ATPs बनाते हैं, और जो 2 FADH है DH2 है हमारे पास 4 ATPs बनाते हैं, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी की जो यील्ड होती है वो हमारे पास होती है 36 ATPs जो है वो हमारे पास बनते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 7
जिसमें हमने कवर अप किया ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जिसमें हमने देखा कि एनर्जी जो है वो सेल में किस तरह से बनती है और उनको किन फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको फिर देती हूँ। ग्लाइकोलाइसिस जो है ग्लूकोज 6C6 होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन वाले कंपाउंड में, जो कि हमारे पास है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है बाद में एंटर होता है क्रब साइकिल में, लेकिन उसमें एंटर होने से पहले जो है वो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, एटीपी रिलीज होते हैं, एनएडीएच बनता है, एफएडीएच2 बनता है। ये वाले एनएडीएच एफएडीएच2 जो है वो कन्वर्ट ऑक्सीडाइज होते हैं, वाटर बनाते हैं और एटीपी बना देते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 7। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जो चीज़ समझ ना आ रही हो, देन यू कैन आस्क मी द इन कॉमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।